नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दहशत बढ़ा दी है। कानपुर के बाद अब लखनऊ चिड़ियाघर के पक्षियों में बर्ड फ्लू के वायरस मिलने के बाद चिड़ियाघर का बर्ड सेक्शन बंद कर दिया गया है। बर्ड हाउस में लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं कानपुर चिड़ियाघर के बाड़े के सभी पक्षियों को मारने का आदेश प्रशासन ने दिया है। यहाँ भी कुछ पक्षियों में बर्ड फ्लू के वायरस मिले हैं। फिलहाल कानपुर चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का संक्रमण मिलने पर चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है। यहां पर चार पक्षियों की मौत की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू के वायरस मिले हैं। कानपुर कमिश्नर राजशेखर के आदेश पर चिड़ियाघर के आसपास के इलाके को रेड जोन घोषित किया गया है। यहाँ पर प्रशासन और रहने वाले लोग सभी अलर्ट हो गए हैं। इसके अलावा प्रशासन ने बाड़े के पक्षियों को भी मारने के आदेश दिए हैं। इस चिड़ियाघर में 2 दिनों में 10 पक्षियों की मौत हुई थी, जिनमें से 4 पक्षियों के सैंपल जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे गए थे। वहां से आई रिपोर्ट में चारों पक्षियों में बर्ड फ्लू के वायरस पाए गए हैं। चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू से रेड जंगल फाउल प्रजाति के मुर्गों की मौत के बाद अब प्रवासी पक्षियों पर नजर रखनी शुरू कर दी गई है। रविवार की सुबह वन विभाग और चिड़ियाघर प्रशासन की संयुक्त टीम ने झील का जायजा लिया। वहीं एक टीम ने चिड़ियाघर के आसपास चिकन दुकानों और परेड की मुर्गा मार्केट में जाकर दुकानें बंद करने और अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।